वेलकम टू सोशल नेटवर्क। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे जियो एंटरटेनमेंट के बड़े ड्रामास के बारे में जो कि हमें इस साल देखने को मिल जाएंगे और कुछ ड्रामास हमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले पाँचवें नंबर पर दोस्तों एक मिनी सीरीज आने जा रही है जो कि आती है एक रिकॉर्ड कायम कर देगी जिसका नाम है इश्क हुआ, जिसमें हारून कादवानी और कोमिल मीर हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। इस मिनी सीरीज़ को नौरीन मखदूम ने लिखा है जो कि इससे पहले पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा सेल तेरे बिन को भी लिख चुकी हैं और सैयद वजाद हुसैन ने इस ड्रामा सेल को डायरेक्ट किया जो कि इससे पहले तकरीबन 7 से 8 ब्लॉक बस्टर ड्रामा सेल जियो एंटरटेनमेंट वालों को दे चुके हैं। बेसिकली दोस्तों 6 से 7 एपिसोड की ये मिनी सीरीज़ है जो कि हमें इन्हीं कुछ दिनों तक इसकी पहली एपिसोड देखने को मिल जाएगी और ये मिनी सीरीज़ आती है एक रिकॉर्ड कायम कर देगी। और ये जो मिनी सीरीज़ की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसकी स्टोरी हमें पुरानी बॉलीवुड की मूवी से रिलेटिव इसकी स्टोरी देखने को मिलेगी। चौथे नंबर पर दोस्तों हमराज ड्रामा सीरियल आने जा रहा है जिसकी तकरीबन 10 से 15 एपिसोड तक की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और ये ड्रामा सीरियल 1 से 1.5 माह में कम्प्लीट हो जाएगा और इसके टीज़र्स हमें देखने को मिल जाएंगे और इसकी पहली एपिसोड तकरीबन 2 माह तक हमें जियो एंटरटेनमेंट की उससे देखने को मिल जाएगी। इस मिनी सीरीज में फिरोज खान और आयजा खान हमें एक साथ देखने को मिलेंगे। अली फैजान इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, नौशीन साहिबा ने इस ड्रामा सीरियल को लिखा है और हमारे अंदाजे के मुताबिक 30 या 35 एपिसोड होंगी इस ड्रामा सीरियल की और 2 माह तक ये ड्रामा सीरियल हमें देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर जो दोस्तों ड्रामा सीरियल आता है उसका नाम है मैशर, जिसमें इमरान अब्बास और नीलम मनीर हमें देखने को मिलेंगे। इस ड्रामा सीरियल की तकरीबन 3 एपिसोड की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और ये ड्रामा सीरियल 2.5 से 3 माह में कम्प्लीट हो जाएगा और इसके टीजर हमें देखने को मिल जाएंगे और उम्मीद है कि ये ड्रामा सीरियल हमें अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा सीरियल को अली फैजान ही डायरेक्ट कर रहे हैं और राशिम नदीम ने इस ड्रामा सीरियल को लिखा है। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों ड्रामा सीरियल आता है उसका नाम है खुदा और मोहब्बत सीज़न 4। दोस्तों इस ड्रामा सीरियल की अब्दुल्ला कादवानी ने एक स्टोरी लगाकर इसकी अनाउंसमेंट की थी और बहुत जल्दी इसकी ऑफिशियल सेवन स्काई एंटरटेनमेंट और जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो जाएगी और उम्मीद है कि इन्हीं 2 माह तक इस ड्रामा सीरियल की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और ये ड्रामा सीरियल हमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा सीरियल में इस बार हमें कौन सी मैन लीड में अदाकार देखने को मिलेंगे इसके बारे में अभी सही तरह दोस्तों कन्फर्म नहीं है। जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट होगी तो हमें इसकी मैन लीड भी पता लग जाएगी, लेकिन काफ़ी सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं कि इस बार हमें खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 में फिरोज खान और इनके साथ दूरा फिशा सलीम देखने को मिलेंगे और राइटर डायरेक्टर जो हैं वो सेम ही होंगे। पहले नंबर पर जो दोस्तों ड्रामा सीरियल आ रहा है उसका नाम है तेरे बिन सीज़न 2। इस ड्रामा सीरियल की अनाउंसमेंट हुए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। दिसंबर में इस ड्रामा सीरियल की अनाउंसमेंट की गई थी और अभी तक इस ड्रामा सीरियल की शूटिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये था कि सुन मेरे दिल को शूट करना शुरू कर दिया था वहाज अली ने और यमुना ज़ैदी भी अपनी फिल्म नायाब को शूट करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो दोस्तों अब बहुत जल्द इसकी भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तकरीबन इसकी भी शूटिंग जो है वह 1 से 1.5 माह तक शुरू हो जाएगी और ये ड्रामा सीरियल भी हमें नेक्स्ट ईयर के तकरीबन स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 ड्रामा सीरियल जियो एंटरटेनमेंट के जो कि एक ब्लॉक बेस्टर ड्रामा सीरियल इस साल के होने वाले हैं और 2 ये ड्रामा सीरियल जो खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 है और तेरे बिन हमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।